आज के इस वीडियो में हम ये शेयर करेंगे कि अलॉट और लॉट्स में क्या डिफरेंस है। कुछ लोग समझते हैं कि अलॉट या लॉट्स में से एक गलत है और इसलिए बहुत से इंग्लिश स्पीकर्स कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर अलॉट का प्रयोग करें और कहाँ पर लॉट्स का प्रयोग करें। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अलॉट और लॉट्स में क्या डिफरेंस है। अलॉट और लॉट्स ये दोनों ही सही टर्म्स होते हैं, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, बहुत। लेकिन जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। अलॉट शब्द का प्रयोग फॉर्मल लैंग्वेज में किया जाता है, यानी औपचारिक भाषा में किया जाता है, और लॉट्स का प्रयोग अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लैंग्वेज में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कहना है कि उसके पास बहुत सा पैसा है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। ये एक फॉर्मल सेंटेंस है। अगर इसी सेंटेंस को मैंने इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करना है तो मैं कहूँगा ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, मुझे बहुत सी परेशानियाँ हैं, आई हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ये इनफॉर्मल सेंटेंस है। अब अगर इसको मैंने फॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अलॉट और लॉट्स का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा और आपकी लैंग्वेज बेहतर बनेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अदर सोशल मीडिया पे भी मेरी आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करिए। थैंक यू।